दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप 3 सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन लाया हूं अंडर 15,000 रुपीस में। दोस्तों मैं खुद फ्री फायर जैसे गेम्स खेलता हूं और मुझे पता है कि एक अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन में कौन से फीचर्स का होना जरूरी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इस प्राइस रेंज पे टॉप 3 सबसे पावरफुल स्मार्टफोन सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा। दोस्तों एक अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन में प्रोसेसर के अलावा भी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। तो दोस्तों आज हम उन्हीं फैक्टर्स के साथ आपको सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपने गेमिंग परफॉर्मेंस को 5x तक इंक्रीज कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए जिससे आपको पता चले कि कौन सा स्मार्टफोन के फीचर सबसे पावरफुल हैं। तो चलिए अब हम सीधे बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की। सबसे पहले हम थर्ड नंबर के स्मार्टफोन की बात करेंगे। तो थर्ड नंबर पे है Redmi Note 10S। इसमें आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलेगा और ये 512 GB तक एक्सपेंडेबल है। इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं, ऊपर के साइड IR ब्लास्टर मिल जाता है और सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पे 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले मिलेगी जिसमें कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी हुई है। साथ ही यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट काफी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे आपको गेमिंग में काफी अच्छी स्मूथनेस मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें मिलता है 5000mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जर जो आपको बॉक्स में ही मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके कैमरे की। तो इसके बैक में 64 मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है और वहीं फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो इसके कैमरे के बारे में मैं बस इतना बोलूंगा कि आपको इसके कैमरे से एवरेज क्वालिटी के पिक्चर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम सबसे मेन फीचर परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको MediaTek Helio G95 का गेमिंग प्रोसेसर मिलता है। ये प्रोसेसर 2.3 GHz स्पीड पे क्लॉक है एंड इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन 11 मिल जाता है। दोस्तों इस प्रोसेसर पे फ्री फायर और BGMI जैसे गेम्स को भी हाई FPS पे स्मूथली खेल पाएंगे। इस प्रोसेसर पे काफ़ी अच्छे गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगी और इससे आपका गेमिंग परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये स्मार्टफोन आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ 15,000 रुपीस में मिल जाता है और इसका टॉप वेरियंट 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसके टॉप वेरियंट को भी परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों अब जो सेकेंड नंबर पे स्मार्टफोन है ये काफी पावरफुल स्मार्टफोन है और इसमें आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो चलिए इसके सारे फीचर्स को एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्ड स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो और इसे आप 256GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो और इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे मिलता है 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले और इसके डिस्प्ले में मिलता है 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट जो आपके गेमिंग परफॉर्मेंस को और भी स्मूथ बना देगा। बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है 30 वॉट डार्ट चार्जर के साथ। अब इसके कैमरे को देखें तो इसके बैक में 64 मेगापिक्सल मेन कैमरे के साथ क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इसके कैमरे की कस्टमाइजेशन काफी अच्छी है और इससे आपको काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर को। तो दोस्तों इसमें मिलता है MediaTek Helio G95 का गेमिंग प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 2.05 GHz स्पीड पे क्लॉक है। तो दोस्तों इस प्रोसेसर पे हैवी गेम्स को भी काफी स्मूथली परफॉर्म कर पाएंगे और आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस की। तो ये आपको 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ 15,000 रुपीस में मिल जाता है और इसका टॉप वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसे आप 18,000 रुपीस में परचेस कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं अपने फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन को। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर का स्मार्टफोन एक अच्छा गेमिंग फोन होने के साथ साथ 5G स्मार्टफोन भी है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है Realme Narzo 30 Pro 5G। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको हाई रेस सर्टिफिकेशन के साथ Dolby Atmos एंड हाई रेस ऑडियो क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है जिसमें आप 1 SIM के साथ 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हो या तो आप सिर्फ 2 SIM कार्ड को लगा सकते हो और इसे आप 256GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले के साथ बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे मिलता है 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले और साथ ही मिलता है 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट और डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें दिया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट डिस्प्ले पैकेज मिल जाता है। इसमें आप काफी ज्यादा स्मूथ गेमिंग कर पाएंगे और आपको स्टकिंग की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती है। अब इस स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इसमें मिलता है 5000mAh की बैटरी 30 वॉट डार्ट चार्जर के साथ।
इसके कैमरे की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है और इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे मिलेगा MediaTek Dimensity 800U का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। प्रोसेसर 2.4 GHz स्पीड पे क्लॉक है और यह प्रोसेसर डुअल 5G को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस प्रोसेसर पे फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स को भी हाई सेटिंग्स में काफी स्मूथली खेल पाएंगे। इसमें आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही, साथ ही आपका गेमिंग परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो यह स्मार्टफोन 6GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ 15,500 में मिल जाता है एंड इसके टॉप वेरियंट में आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल जाता है। तो इसे आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे टॉप 3 सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है कि कौन सा स्मार्टफोन आपके गेमिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो दोस्तों अगर आपको 15,000 रुपीज में एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आप रियलमी 7 और रेडमी नोट 10s को देख सकते हो। और अब अगर आपको 5G स्मार्टफोन के साथ एक बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए तो आप रियलमी नार्जो 30 प्रो 5G को देख सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इन स्मार्टफोन में आपको आपके लिए एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन मिल गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी स्मार्टफोन को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको और भी न्यू स्मार्टफोन्स की वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे।